जीत तुम्हारी ही होगी। भले ही आज तुम्हारे हालात कैसे भी हों, भले ही आज तुम्हें मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा हो, भले ही अभी हर दिन तुम कुछ नया सीख रहे हो, पर जीत तुम्हारी होगी। परमात्मा कहते हैं, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुमने जिस प्रकार कठिन वक्त में सत्य का मार्ग चुना, कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी और सफलता पूर्वक सभी परीक्षाओं को पास किया, ये सब कुछ तुम्हारी जीत को सुनिश्चित करता है। वक्त को पकड़ना नामुमकिन है, फिर तुम क्यों बीते वक्त के कुछ पलों को मुट्ठी में दबा कर रखना चाहते हो? तुम उसे जितना तेजी से पकड़ने का प्रयास करोगे, वे उतनी ही तीव्रता से तुम्हारे हाथों से फिसलता जाएगा। जो कुछ हुआ वे बस तुम्हें एक अनुभव दिलाने का अध्याय था। यदि तुम्हें असफलता मिली तो उसके पीछे भी एक विशेष कारण था। परमात्मा कहते हैं, मेरी प्रिय, तुमने जो कुछ देखा वह सब तुम्हारे जीवन का एक अनुभव है। तुम अभी हारे नहीं हो, तुम्हारी जीत ऐतिहासिक होगी। जीत जीवन के सफर में, जीत संबंधों में, जीत समाज में। मेरे प्रिय, जो रिश्ते तकलीफ देते हैं, जो बार बार तुम्हारे दर्द को बढ़ा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे रिश्ते जो हर पीड़ा में तुम्हें मुस्कुराने का साहस देते हैं, तुम्हारी हिम्मत को टूटने नहीं देते, ऐसे दोनों ही प्रकार के संबंध तुम्हारे पास मौजूद हैं। अब निर्णय और चयन तुम्हें करना है, किसे अपने साथ रखना है और किसे जाने देना है, क्योंकि तुम्हारा अपना केवल वही है जो कठिन वक्त में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, जो हर स्थिति में बस तुम पर विश्वास करता है। ऐसे सच्चे संबंधों की कोई गलती हो तो भी उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वही वास्तव में आपके अपने होते हैं। क्या तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? प्रश्न, जब शिशु पहली बार चलने का प्रयत्न करता है तो वे कितनी बार गिरता है? शायद गिनती करना भी असंभव हो, फिर भी शिशु की माता अपने बच्चे को चलने का प्रयास करते हुए देख खुशी से झूम उठती है। वह उसके घाव नहीं बल्कि उसके प्रयास को देखती है। इसी प्रकार सभी जीव ब्रह्मांड के शिशु हैं। इनमें से जो चलने का प्रयास करता है उसे देखकर ब्रह्मांड मुस्कुराता है। चलना अर्थात अध्यात्म की ओर मुड़ना, सत्य की ओर चलना। यदि तुम गिरते हो तो क्यों घबराते हो? तुम्हारी माता तुम्हारे साथ खड़ी है, जो तुम्हें अपने प्रेम और दुलार से फिर से खड़ा कर देगी। प्रयास करते वक्त गिर जाना कोई गलती नहीं होती, परंतु एक बार गिर कर फिर कभी उठने का प्रयास ही ना करना सबसे बड़ी भूल है। आज तुम उठोगे, फिर चलोगे, कल रफ्तार पकड़ोगे और फिर दौड़ोगे। जब तुम प्रश्न करते हो, ईश्वर ने सारे दुख मुझे ही क्यों दिए, तो ईश्वर रूपी माता को अत्यंत कष्ट होता है। भला कोई जन्मदाता अपनी संतान को स्वयं पीड़ा कैसे दे सकता है? वह तो उसे खड़ा करना चाहता है, उसे चलाना चाहता है।
और उसे उपहार देना चाहता है। परमात्मा कहते हैं, मेरे प्रिय, मेरा हाथ पकड़ लो, मेरे दिखाए मार्ग पर चलो, जीत निश्चित ही तुम्हारी होगी।